जब एसडीएम स्तर के अधिकारी इस तरह की अनुमतियां देते हैं तो उसमें बकायदा ये मेंशन होता है कि आखिर कितने लोग वहां पर जुटेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, उन व्यवस्थाओं को किस तरीके से देखा जाएगा। एसडीएम स्तर के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, पुलिस का डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि क्या इतने बड़े आयोजन जिसमें कि आस्था के नाम पर भोले बाबा ने वहां पर, आयोजकों ने वहां पर भारी भीड़ तो प्रचार प्रचार करके जुटा ली, लेकिन वहां पर इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए। अनुपम, ये भोले बाबा का जो नाम आ रहा है, इनके बारे में कुछ बताइए, ये कौन है और इनकी जो ख्याति है वो इतनी ज्यादा है कि बड़े संख्या में खासतौर पर महिलाएं बच्चे वहां पंडाल के नीचे इकट्ठा थे, मैदान से ज्यादा कैपेसिटी थी। बिल्कुल आस्था, ये जो भोले बाबा हैं ये एटा के पटियाली के रहने वाले हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज्यादातर जो ये एरिया फोकस करते हैं वो रूरल एरियाज में फोकस करते हैं, ग्रामीण इलाकों में फोकस करते हैं, जहां पर महिलाएं या बड़ी संख्या में जो लोग हैं इनके प्रवचनों को सुनने के लिए, इनके सत्संग को सुनने के लिए वहां पर जुटते हैं। तो अक्सर पिछले कई सालों से ये धार्मिक इलाकों में, जो ग्रामीण इलाके हैं जहां धार्मिक क्रिया कार्यक्रम होते हैं, वहां पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। और आज आपको बता दें सिकंदरा राव में ये कार्यक्रम वहां पर रखा गया था। और ये खास बात आपने बताई है कि इनका जो फोकस है वो ग्रामीण इलाकों पर रहता है। कई सालों से ये सक्रिय है, भोले बाबा उर्फ नारायण कुछ आगे इनका नाम है, और प्रशासन ये कह रहा है कि उनका प्राइवेट इंतजाम था, मतलब पंडाल के अंदर का जो इंतजाम है वो बाबा जी का था, पंडाल के बाहर का इंतजाम या पंडाल लगने तक का इंतजाम प्रशासन को कितना और किस हद तक करना चाहिए था, दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। अजेंद्र का रुख करेंगे, जिला अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, वहां से क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जो सब है यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें से 23 महिलाएं हैं और तीन बच्चे हैं, एक पुरुष का शव जो यहाँ पहुंचा है। उनके पोस्टमार्टम की तैयारी लगातार जारी है और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम के बाद उनके शव जो है उनके गांव भेजने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाथरस में जो हादसा हुआ है उसमें जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मौजूद थे या वहाँ जुटना था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की शासन द्वारा, जो आज इतना बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी निकल के सामने आ रही है, जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ था, सत्संग का समापन हुआ था, उसके बाद भोले बाबा जो अपने आप को भगवान मानते हैं वो निकल के जब जा रहे थे, उसके बाद इनके यहाँ एक प्रथा है, तो जहाँ से वो निकल के जाते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे लोग उठाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। उसी प्रक्रिया के दौरान ये एकदम भगदड़ मच गई, उसमें हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पास में खाई थी, उसमें खाई में तमाम लोग नीचे चले गए, उसी वजह से ऊपर से भीड़ ज्यादा होने की वजह से। एक सेकंड, आप कह रहे हैं खाई थी, जहां पंडाल लगा हुआ था वो ग्राउंड है, तो खाई या कोई बड़ा गड्ढा भी वहां पर था, ये आप जानकारी दे रहे हैं? हाँ, सूचना मिल रही है कि ग्राउंड के बराबर में जहाँ से निकलने की रास्ता थी, हाँ। और उसके बराबर में जैसे सड़क के किनारे जो खाई होती है छोटी सी, वो खाई थी, हल्की सी खाई थी, उसमें कुछ लोग बताते उसमें नीचे गिर गए, तो उसके बाद ऊपर से लोगों का निकलना शुरू जब हुआ तो भगदड़ मच गई। चीख पुकार सुनने के बाद में जो लोग ठीक ठाक थे वो भी निकलने के भागने का उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद जो नीचे लोग दब गए, उनकी दम घुटने से मौत हो गई, कुछ लोग कुचल की मौत हो गई। माथा लगाने की जो प्रथा है बाबा जी की, इस हादसे की शुरुआत वहां से हुई, लेकिन कुछ चश्मदीदों का भी बयान हमारे सामने आया है जो उस वक्त जब घटना हो रही थी तो वहां थे, सुन लेते हैं उन्होंने क्या बताया। सत्संग में थी क्या? क्या चल रहा बहुत भीड़ थी भैया, भैया नीच दब गए, बहुत पवन लगा, ऊपर निकल गई, ज्यादा मच गई, गाड़ी वाले आ गए, बहुत रोग हो गई भैया। क्या हुआ, क्या हादसा हुआ? एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए, कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ आई भैया, कितने लोगों की मौत हुई? जाने अब मन्ना गिन्ने भैया, यानी कितने का नकी भैया, बता रहे हैं लोग, बता बहुत लोग थे। क्या पूरा का हुआ, कैसे घटना? ये हम सत्संग में गए थे, साल थी वहाँ पर, बहुत सारी भीड़ हो रही थी, अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जहाँ हो रहा था लगने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की। शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है?
जी हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी भोले बाबा का। हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव। सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हत्या खत्म है गा। खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों सो। हाँ। तो गांव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई। दबने से सत्संग मैया भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी भाई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। और यहाँ से कुछ प्रशासन में हटा भी नहीं। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा हमने हाथ से गिनती की है 107। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार वाशिष्ठ बिंकू। अच्छा तो यहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है सब बॉडी? अंदर भी है, अंदर भी है, कमरे में भी है। 107 डॉक्टर न होने की वजह से यहाँ पर मौत हुई है ये। और सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ हैं और उनके साथ भी बातचीत के लिए वहां पर लोग हैं। सुमित उनसे बातचीत कीजिए, तमाम सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं और इस बीच सवाल ये भी है कि बाबा जी कहां हैं अब, जिनका वहां सत्संग हो रहा था और जिनके पैरों की मिट्टी लेने के लिए लोग भागे और वहां किसी गड्ढे में गिरे और फिर एक दूसरे पर गिरते चले गए और कुचलते चले गए। देखिए यहाँ मौजूद है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो विधानसभा है उसके विधायक है वीरेंद्र सिंह राणा। हम सबसे पहले उनसे जानेंगे यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई है और अभी फिलहाल क्या माहौल है। जी ये जो भी घटना हुई है।